आपने उपचुनाव महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि दोनों मेरा विधानसभा क्षेत्र खाली है अभी उपचुनाव होने वाला। क्या संदेश दिया कार्यकर्ताओं को? देखिए, हमने कार्यकर्ताओं को यही निवेदन किया है कि किसी भी चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना है और हम सब एकजुट होकर के इस बार जीत हासिल करनी है। यहाँ जिस तरह के हालात देखे आपके सामने, अंतर विरोध सामने आया है कार्यकर्ताओं का कि भाजपा के नेता ही भाजपा के केंद्र का विरोध करते हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं के मन में इस प्रकार का भाव है और मैं सोचता हूँ अच्छी बात है। उनके मन में यह था कि टिकट किसी एक को मिलता है तो सब मिल करके उसकी मदद करें और यही संदेश हम लेकर के आए हैं, यही संदेश हमने दिया है। इसलिए सब एक मुखी हैं, कहीं कोई विभेद नहीं है, किसी को भी पार्टी भेजेगी और सब पूरी टीम उसके साथ एकजुट होकर के लड़े। राजस्थान की 6 विधानसभा सीटों पर आपको जाना है, जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे कल दूसरा में थे आज में, तो इन तमाम 6 विधानसभा सीटों पर किस तरह का मंथन है संगठन को लेकर, खासकर क्योंकि संगठन की भी पहली बैठक आप ले रहे हैं सभी जिला स्तर। देखिए, मैंने निवेदन किया था कि कांग्रेस ने जो भ्रामक प्रचार किया था ना, अब मुलम्मा उतर चुका है उनका। अब जनता उनके उस मुलम्मे में आने वाली नहीं है, उस भ्रम में आने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी है कि उन्होंने धोखा दिया जनता को। पहले जब कांग्रेस का शासन था तो उन्होंने कर्जा माफ करने की बात कही, उन्होंने किया नहीं। हमने किसान सम्मान निधि दी, किसान को कितना पैसा मिला, ये सब हमने काम किया है जनता के सामने, और कांग्रेस धोखा ही दे रही है ये जनता समझ चुकी है। और हम सेवा कर रहे हैं, ये जनता के सामने हम लेकर के जाएंगे। विकास की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार का बजट, राजस्थान के बजट को, और जो कुछ भी हम जनता के देना चाहते हैं वो हम लेकर के जाएंगे जनता के बीच में। हमारा कार्यकर्ता जाएगा और वरिष्ठों का अनुभव लेकर के, वरिष्ठ जो हमारे जितना भी नेतृत्व वर्ग है उनके अनुभवों का लाभ लेके कार्यकर्ता क्षेत्र में जाएगा, जीतेगा। खासकर राजेंद्र राठौड़ साहब को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। वो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सम्मानित कार्यकर्ता हैं, हम सब उनसे सीखते हैं। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे बड़े भाई हैं। हम कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनका कोई अपमान करे। हम सब सम्मान करते हैं उनका, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वो हमारे सम्मानीय नेता हैं और वो कभी भी भूमिका कब तय होगी, कैसे तय होगी? नहीं, वो तो साथ ही है। हम नियमित, मैं रोजाना 2 बार बात करता हूँ उनसे, आज भी बात हुई है, कल भी बात हुई, हम रोजाना उनसे और कुछ न कुछ गुरु मंत्र लेकर के ही चलते हैं। आज कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया उनको लेकर? नहीं नहीं, कोई विरोध नहीं है। अभी जताया उन्होंने बाहर के राजेंद्र राठौड़ जी को लेकर के? ना 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 ना, कतई नहीं। राजेंद्र जी हमारे सक्रिय और वरिष्ठ नेता है भाई, उनको कभी किसी प्रकार का कष्ट हम पहुँचाने की सोच भी नहीं सकते। तो अब क्या मूल मंत्र है राजस्थान की 6 विधानसभा सीटों पर? सब एक मुखी ब्रह्म में नहीं आए, एक मुखी रह करके और पार्टी को मजबूत करें, पार्टी के साथ जुड़े। और हम तो आपसे भी, आपके माध्यम से जनता को भी कहेंगे कि आप नरेंद्र मोदी जी और भजन लाल जी की ताकत बने, यही नहीं। देखिए, राजस्थान के अंदर अलकायदा से जुड़े हुए संगठन के आतंकियों की फैक्ट्री पकड़ी रहती है हथियार बनाने के लिए, एक गंभीर मामला राजस्थान। ये बड़ी चिंता की बात है कि बाहर के लोग किसी मकान में रह करके, किराए का मकान लेकर के उन्होंने अवैध गतिविधियां की है, वो पकड़े गए हैं, पूरा गैंग पकड़ा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई हो। उदयपुर वाली घटना को लेकर किस तरह क्या अगर ये घटना बहुत चिंताजनक है, ऐसी घटनाओं को रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये जो है ना वोटों की राजनीति जो करते हैं ना, जिसमें समाज को तोड़ने का षड्यंत्र करते हैं, ऐसे पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। देखिए, डोटासरा जी का एक बयान खासतौर से कि अब वसुंधरा जी अंदर खाने में शांत नहीं। देखिए, वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है, वो हमारे साथ है, हम सब एक हैं। कोई भ्रम पैदा करे, भ्रम होगा नहीं, हम एक है। करोड़ीलाल मीणा को कहते हैं कि पर्ची उठा दे। करोड़ीलाल जी मीणा हमारा काम कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, संघर्षशील व्यक्ति है, अच्छा कार्यकर्ता है, हमारे साथ है, मंत्री है, काम कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से लगातार कभी हार कभी ना। नहीं, वो देखिए, थोड़ा मन में कष्ट जरूर होता है किसी को कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था कि हम जीतेंगे, वहाँ नहीं जीते तो थोड़ा मन में कष्ट होता है, बाकी कोई बात नहीं, पार्टी के साथ है।
कहाँ पायलट का गढ़ है, ये हमारी जनता का गढ़ है, हमारा गढ़ है, कोई पायलट का गढ़ वगैरह कुछ भी नहीं है। राजनीति में जीत हार होती है और हम तो लोग जनमत का सम्मान करते हैं, हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। जनता ने उनको अवसर दिया है, वो जनता की सेवा करे, कहाँ दिक्कत की बात है। सरकार के साथ जुटे, काम करे, जनता का, सरकार ने जो योजनाएं दी है वो जनता के बीच में लेके जाए, काम करे, उसमें कहाँ दिक्कत है। अवसर मिलता है, हम तो लोकतंत्र के हामी है, हम लोकतंत्र में विपक्ष भी चाहिए हमको, तो करे, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। प्रत्याशी चयन में क्या मापदंड रहेगा? अरे प्रत्याशी चयन पार्टी करती है भाई साहब, हम नहीं करते। हम तो प्रत्याशी चयन जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम होता है, जन अपेक्षाओं के अनुरूप हम उम्मीदवार। कोई आरक्षण में हम छेड़खानी नहीं कर रहे, हम कहीं बीच में नहीं है, हमने पहले ही घोषणा कर दी हम आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं। बांग्लादेश को लेकर राकेश, बांग्लादेश की चिंता है और ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमारी केंद्र की सरकार कूटनीतिक तरीके से वहां पर भी और व्यवस्थाएं ठीक कर